क्या दे रहे हो, किसको दे? शंकर अगर देना तो तुम मेरे भाग्य का देना। शंकर भगवान महादानी कहलाते हैं, शंकर भगवान को महादानी कहा जाता है। और भगवान शंकर ने एक ही बात कही कि गणेश जाओ परिक्रमा करता रहो, कार्तिक जाओ परिक्रमा करता रहो, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है, जो बच्चा मेहनत से आगे बढ़ता है, जो व्यक्ति अपनी लगनदार अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, उसका पांव खींचकर कोई गिराने वाला पैदा नहीं हो पाता है, वो आगे भी बढ़ता चला। किसकी सामर्थ्य का? आप अपनी लगन से आगे बढ़ो, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ो, आप अपनी कर्म से आगे बढ़ो, और जितना कर्म कर आगे बढ़ सकते हो अपनी जिंदगी का सुख पाओ। आप विदुर जी महाराज की धर्म पत्नी सुलभा, जिनके माता पिता ने उनको पार्थिव लिंग का पूजन करना है, आपकी मेहनत आपका कर्म आपकी लगन सब कुछ करे। आप जाओ ना शंकर की शरण में, अब क्यों दुनिया के चक्कर में पड़े हो? आप शिव के पास जाते क्यों नहीं हो? शंकर के पास जाओ, उस ओगड़ी के पास जाओ। बहुत अलग है इस महापुराण की कथा। दुनिया के महाराज कथा करते हैं तो सबको अपने से जोड़ना चाहते हैं, आपको शंकर से जोड़ना चाहती है, अपने से जोड़ो। जब कोई नहीं आता भोले बाबा, जब कोई नहीं आता भोले बाबा, के दिनों में हमारा संबंध हम शिव से जोड़े, हमारा नाता रिश्ता हम शंकर से जोड़े। और जुड़ेगा तब जब हमारा विश्वास प्रबल होगा। Oh, my God.
समापन हो चुका है और कल है पांचवा दिन यानी कि विराम दिवस। पहले भागवत 20 दिन की रखी थी, करवा चौथ की त्यौहार के भागवत 5 दिन से रखी गई है जो कि कल उनका विराम दिन है। कल सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कभी लगी रहती है। तो देखिए आज आरती हो चुकी है, सभी भक्तों ने लवली की शादी पे आएंगे तब की शादी पे आएंगे। तो सभी लोग जोर से बोलिए कि श्री शिवाय नमस्ते। और गाइस अगर आप मेरी इमेल देखिए इस कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते फिर देखिए बिल्कुल ना भूलें। और जिससे कि मुझे पता लग सके कि हाँ शिव के भक्त कितने हैं और किस किस देखिए मिलते हैं गाइस। कल है विराम दिवस, करना पड़ेगा वहाँ से बस स्टैंड पे लवली की शादी पे आएंगे तब तक। और क्या जी मोटरसाइकिल बस स्टैंड पे लवली की शादी पे आएंगे।